में बच्चों को लेकर इसलिए बहुत सारे सवाल आ जाते हैं क्योंकि घर में दो बच्चों के होने की वजह से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे पता है। स्वामी जी, जैसे पेट दर्द का भी आपने जिक्र किया था, तो बच्चों को जो हींग लगाई जाती है, क्या किसी भी एज में बच्चों को, देखिए बड़ों को तो लगाते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी किसी भी एज में नाभि के आसपास हींग लगाई जा सकती है? किसी भी एज में लगा सकते हैं, ये 2-3 महीने के बच्चे से लेकर के, और छोटे बच्चे को ना, अभी तो ये डॉक्टर अनुराग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसे कपड़े के ऊपर ना हींग घोल लगा दो और ऐसे पूरे पेट पर बांध दो। अभी डॉक्टर अनुराग जी ने घोल तैयार किया हींग का, और उसको एक लोशन के साथ ऐसे पेट के ऊपर लगा दिया और पेट की गैस उससे गायब हो जाती है। वाह कमाल। क्या है? टमी टमी रम रम उसको नाम टमी रम 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 टमी का हर गम हो जाएगा दूर। हां, घोल करके जी पूरे तो ऐसे टमी रम से जो है पेट का सब रम गम दर्द मर्च सब ऐसे पेट के ऊपर पूरे पेट पे लगा सकते हैं। फिर पेट के दर्द के लिए ना ये सबसे अच्छा होता है, ये थोड़ी पिंडलियों को, ये तो पहले से सब बच्चों की माताओं को पता होता था, छोटे बच्चों को भी पिंडलियों की मसाज करते थे हम, यहाँ काफ मसाज बहुत करते हैं पेट की बीमारियों, और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। और बड़ों के भी पहले माताओं को तो मैंने देखा, अपनी माँ को ही देखा, पूज्य माता गुलाब देवी जी हमारी जो अब क्या करे हो, माँ का नाम गुलाब और दादी का नाम चमेली और मुंशी का नाम गेंदा, सारे पुष्प घर में थे। तभी उस घर में राम आए स्वामी जी। आप जो है वो एक और विषय शामिल कर लेते और आ गए जी। तो देखो अब ये पिंडली दबाने से ना, और कुछ सासू तो इतनी मतलब उनको अच्छा लगता होगा, मतलब 5 मिनट का आशीर्वाद देती थी लगातार जो है उससे पिंडली बढ़िया दबती थी और पेट बढ़िया रहता था। ये ना पिंडली दबाना बड़ा अच्छा रहता है, और जिनका पेट ज़्यादा ही गड़बड़ जाए तो टखने के नीचे से यहाँ से दबा दे, इस एकदम से असर होता है। मुझे 35 साल पहले एक ज्वालापुर के बूढ़े वैद्य ने बताया, यहाँ पॉइंट दबाओ और इसको यहाँ दबाते हैं ना टखने के नीचे, यहाँ एकदम से पेट का दर्द गायब ऐसे, और भूख ऐसे कड़ाके की लगती है। अब जैसे अभी मैंने थोड़ा सा दबाया और यहाँ ना ऐसे एक नस है उसको ऐसे करो तो। स्वामी जी, मैंने और पूजा ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अब योग करके हम भी करेंगे, भूख लग रही है। एक और इसमें विषय जल्दी से शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। आजकल मीजल्स और स्मॉल पॉक्स के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन के बावजूद इन बीमारियों के मामले पहले तो बढ़ क्यों रहे हैं, और जिन्हें हो भी गया स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, फिर इससे बचने का रास्ता क्या है, और जो स्मॉल पॉक्स और मीजल्स में हैं बच्चे उन्हें उस वक्त क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ये स्मॉल पॉक्स है ये, इसके लिए ना सबसे बेस्ट तो मैं बताता हूँ, बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन खिलाइए। पहले हमारे यहाँ पर भी कभी 10 कभी 20 कभी 25-50 बच्चों को स्मॉल पॉक्स हो जाते थे पतंजलि गुरुकुलों में, 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के फिर हम 8-10 साल के बच्चों को लेते हैं, फिर 10-12 साल के बच्चों को भी आगे भर्ती करते हैं आचार्य कुलमादी में। तो जब से इम्यूनोग्लोबुलिन खिलाना शुरू किया बच्चों को स्मॉल पॉक्स की, ये क्या बोलते हैं इसको, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स की जो है ये बीमारी होनी बंद हो गई। चेचक ना, चेचक पहले ऐसे चेहरों पर बहुत होती थी, बड़ी माता छोटी माता, ये भी क्या करें, होने के बाद एक एक गोली, हाँ माता माता निकल गई होने के बाद गिलोय और नीम की छोटी छोटी, वन छोटे बच्चे को 1/4, थोड़ा बड़े बच्चे को आधी गोली, और नीम के पत्तों से ही उसको स्नान करते, नीम के पत्ते पानी में डाल करके नीम का पत्ता सिरहाने रख देते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, हमने चिकन पॉक्स में शरीर के अंदर हीट बढ़ जाती है, उसको नॉर्मल करने के लिए गिलोय सत, 100% ओरिजिनल गिलोय सत हम देते हैं, गिलोय सत मोती पिष्टी, गिलोय सत मोती पिष्टी मिला करके, किसी को बुखार होता है तो थोड़ा गोदंती भी मिलाते हैं, गिलोय सत मोती पिष्टी मिला करके आधा आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं, और पहले तो बुखार आदि के लिए हम किसी को गिलोय घनवटी, झरना चक्रवटी, सुदर्शन घनवटी देते थे, अब तो ये फिवोग्रिड दे देते हैं सीधी एक गोली, ये जबरदस्त है, एक गोली फिवोग्रिड की, टाइफाइड हो तो टाइफोग्रिड,
नहीं तो पहले खूब कला मुनक्का अंजीर जो है घोट के पिलानी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं, टाइफोग्रेट दे देते हैं, बुखार भी दूर, चिकन पोक से जब होता है तो बुखार भी हो जाता है लोग उस, वो भी एकदम से गिलोय घनवट्टी से या फिबोग्रिट से एकदम से दूर हो जाता है। और इसके लिए नीम घनवट्टी अप्रतिम काम करती है जी। इनको ऐसे भी थोड़ा रस निकाल करके थोड़ा पानी में मिला के शहद मिला के दे तो थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बच्चे खा नहीं पाते इजीली उसको, तो नीम घनवट्टी उसमें इजी है जी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।